नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, जो अभी हमने पिछले एक दो दिन के अंदर थोड़ी सी गिरावट देखी है, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। क्या यहाँ पर अब आगे एक्सपेक्टेड है, इन सब चीजों के बारे में भी बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियोस से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आज शुरुआत करेंगे यहाँ पर यूएस के नॉन फार्म पेरोल डेटा पर, कि क्या कुछ यहाँ पर जॉब्स के नंबर निकल कर आ रहे हैं यूएस के अंदर, और यहाँ पर अब आगे क्या एक्सपेक्टेड है, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलते हैं फटाफट हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और बातचीत करेंगे फटाफट क्या कुछ एक्सपेक्टेड था मार्केट में और किस तरीके के नंबर्स हमको यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आप लोगों के साथ सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं। तो दोस्तों आज यहाँ पर शाम को 7 बजे जो है यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से यहाँ पर आउट हो गया है डेटा। लेकिन आपको सबसे पहले बता दें कि यहाँ पर फोरकास्ट क्या था। देखिए पिछले महीने जो यहाँ पर जो जॉब्स ऐड करी गई थी यूएस के अंदर वो थी 263K, मतलब कि 263,000 जॉब्स जो है वो ऐड की गई थी। और यहाँ पर जो पिछली बारी जो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो था 3.7%, और यही चीज एक्सपेक्टेड थी यहाँ पर कि इस महीने भी 3.7% जो है वो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो रहने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें एक्चुअल डेटा की तो एक्चुअल डेटा थोड़ा सा अलग आया यहाँ पर। ये रहा एक्चुअल डेटा, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्वीट किया था और आप सब लोगों के साथ शेयर भी किया था हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। आज सुबह ही आप सब लोग बता दिया था कि यहाँ पर डेटा आने वाला है एनएफपी डेटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्चुअल डेटा है वो क्या है, यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 223K यहाँ पर जो है यहाँ पर एक्चुअली जॉब्स जो है वो ऐड की गई है, मतलब कि 223,000 जॉब्स जो यहाँ पर ऐड की गई है। और पिछले महीने जो यहाँ पर ऐड की गई थी वो 263K यहाँ पर ऐड की गई थी। लेकिन जैसे कि आप सब लोग बताया कि यहाँ पर जो एस्टिमेटेड था, कि यहाँ पर जो एक अंदाजा लगाया जा रहा था वो 203K का यहाँ पर अंदाजा लगाया जा रहा था, मतलब कि 203K, मतलब 2,03,000 के आसपास यहाँ पर अंदाजा लगाया जा रहा था। लेकिन एक्चुअल जो यहाँ पर जो जॉब्स के नंबर निकल कर आए वो निकल कर आए 223K, मतलब कि 2,23,000 जॉब्स यहाँ पर डेटा जो है वो निकल कर आया, मतलब कि दिस इज बेटर राइट, मतलब कि ज्यादा लोगों को जॉब्स एक तरीके से मिल गई राइट। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो एक्सपेक्टेड था वो था यहाँ पर 3.7 राइट, फोरकास्ट जो था वो 3.7 का था और प्रीवियस भी 3.7 का था। लेकिन एक्चुअली में जो यहाँ पर रेट निकल कर आया अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दिस इज 3.5, मतलब कि थोड़ा सा बेटर, जितनी अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट करी थी उससे कम अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर निकल कर आई है, तो उसके हिसाब से थोड़ी सी बेटर है। जब यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, जॉब्स ज्यादा मिलेंगी लोगों को, तो यहाँ पर जो डिटेल है उसके हिसाब से आप सब लोग समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव न्यूज है मार्केट के लिए। लेकिन आप सब लोगों को बता दें कि मार्केट ऐसी न्यूज पे बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए रिएक्ट नहीं करता, छोटे समय के लिए रिएक्ट करता है। और वही चीज हमको यहाँ पर चाहिए कि छोटे समय के लिए हमको एक जो है वो रिएक्शन देखने को मिले इस न्यूज का मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर चलेंगे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। अभी बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 16,780 के आसपास, और यहाँ पर चलते हैं फटाफट हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर कि क्या कुछ यहाँ पर डिटेल देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर जैसे ही ये न्यूज निकल कर आई उसके बाद से लेकर हमको यहाँ पर एक मार्केट के अंदर उछाल भी देखने को मिला है। आप सब लोगों को दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये एक ग्रीन कलर यहाँ पे जो कैंडल बन रही है ग्रीन कलर की राइट, लंबी चौड़ी सी ये जो कैंडल है, करीब करीब यहाँ से लेकर अगर मैं बात करूँ 16,680 से बाउंस किया मार्केट में, और यहाँ पर 16,819-20 के आसपास के जो लेवल्स हैं यहाँ पर ये टच किया बेसिकली मार्केट ने। तो ये जो है एक उछाल टेम्परेरली दिखाई दी है हमको यहाँ पर, आगे भी ये थोड़ी बहुत उछाल जो है ये बरकरार रह सकती है। आप सब लोगों को सारी डिटेल देते हैं कि आपको जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल से जुड़ी हुई न्यूज तो मैंने आप सब लोगों को बता दी, उसको मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ फटाफट राइट, उसकी जरूरत नहीं है हमको। और अभी जो हम बातचीत करेंगे वो चार्ट के ऊपर बातचीत करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर चार्ट के ऊपर देखेंगे कि कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ कहाँ पर सपोर्ट बनता है, और कौन कौन से लेवल्स ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे,
और क्या हम यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट, उस तरीके की बातचीत करेंगे। देखिए आज से अगर मैं कुछ समय पहले की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो ऊपर की तरफ ये जो हमको यहां पर नंबर दिखाई दिया था, वो दिखाई दिया था 18,380 के आसपास, राइट, राउंड अबाउट दैट लेवल। यहां पर 18,400 एग्जैक्ट मार्क कर लेता हूं, उसको हम एक बारी के लिए रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे, जो कि हमारे लिए एकदम प्राइम रेजिस्टेंस है 18,400, राइट। इसको हम सबसे पहले मार्क कर लेते हैं, इसको यहां पर हटा देते हैं। और एट प्रेजेंट जहां पर मार्केट अभी सिचुएशन जो है, जहां पर की रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, वो कौन सा जोन है, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो देखिए यहां पर ये जो मैंने येलो कलर का बॉक्स बना रखा है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको नजर आएगा कि इस येलो बॉक्स के ऊपर नहीं जा पा रहा है बाजार, राइट। तो यहां पर बेसिकली क्या कुछ रेजिस्टेंस है, देखिए यहां पर जो इमीडिएट रेजिस्टेंस बनती है वो बनती है 17,000 की। मैं यहां पर एक लेवल जो है वो मार्क कर लेता हूं 17,000 का, ताकि आपको क्लियरली यहां पर दिखाई दे कि 17,000 पे रेजिस्टेंस बन रही है। देखिए यहां पर ये जो एक कैंडल, दो कैंडल, तीसरा कैंडल जो यहां पर 2 दिन पहले भी आया था, यहां पर उसमें भी यहां पर 17,000 के मार्क को जो है वो बेसिकली बिटकॉइन का प्राइस ऊपर नहीं ब्रेक कर पाया था, राइट। और ऐसा क्यों कुछ हो रहा है, ये सब कुछ चीजें भी बातचीत करेंगे। देखिए यहां पर एक्सपेक्टेड है कि मार्केट एक बारी 17,000 के ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, और 17,000 के ऊपर जाकर एक हमको फेकआउट मिल सकता है, राइट। और फेकआउट कैसे मिल सकता है, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए यहां पर एक करेक्टिव वेव, मतलब कि करेक्टिव वेव मतलब कि एक तरीके से डाउन ट्रेंड वेव जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जब भी डाउन ट्रेंड होता है तो डाउन ट्रेंड के अंदर हम ऑफ कोर्स यहां पर ये जो हमने हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी हमने देख लिया, राइट, ऊपर के लेवल्स कौन से होंगे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के। देखिए यहां पर हम सब लोग जानते हैं कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो इस वाली जो ये वाली जो यहां पर जो कैंडल है, जो सबसे जो विक नजर आ रही है, इसको नोटिस करेंगे, और इसके बॉटम पे एकदम जो है जहां से सपोर्ट लेकर बाउंस किया था, वहां पर हम लगाएंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि लेवल निकल कर आता है 17,655 का, 17,655, राइट, ये लेवल निकल कर आता है। इस लेवल पर हमने यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करी है, ये हमारे लिए आने वाले समय में हॉरिजॉन्टल यहां पर रेजिस्टेंस रहने रह सकता है। आप सब लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कैसे। देखिए अब यहां पर जो अगर मैं एलियट वेव के हिसाब से देखूं, हॉरिजॉन्टल लेवल्स तो मैंने आप सब लोगों को बता दिए, अगर मैं एलियट वेव के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां पर एक वेव नीचे, सेकेंड वेव ऊपर, थर्ड वेव नीचे, फोर्थ वेव ऊपर, एंड देन फिफ्थ वेव डाउन, राइट, कुछ इस तरीके की चीजें थी। छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ये जो सिचुएशन थी कुछ इस तरीके से थी। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट वेव डाउन एंड देन सेकेंड वेव अप, राइट, कुछ इस तरीके से, थर्ड वेव डाउन, फोर्थ वेव अप कुछ इस तरीके से, एंड देन फिफ्थ वेव डाउन, राइट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नीचे की तरफ है, मतलब कि डाउन ट्रेंड, राइट। जब 1 2 3 4 5 ऊपर की तरफ बन रहा होता है, मतलब कि अप ट्रेंड, राइट। अब यहां पर देखते हैं कि यहां पर करेक्टिव वेव कौन सी होती है, ए बी सी वेव होती है। तो ए वेव ऊपर की तरफ, ये सब चीजें मैं आप सब लोगों को पहले भी बता चुका हूं, ए वेव, देन बी वेव, एंड देन सी वेव कुछ इस तरीके से, राइट, ए बी सी, राइट, ये सब कुछ इस तरीके से होने के बाद यहां पर इन किसी लेवल के आसपास से लेकर मार्केट जो नीचे की तरफ जा सकता है। आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस जो है वो इस लेवल के आसपास भी है, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो लेवल है, यहां पर भी एक रेजिस्टेंस बनता है, यहां पर पहले भी बाजार यहां पर रुका है बहुत बारी इस लेवल के आसपास। ये कौन से लेवल है, ये है 17,275 का लेवल, 17,274-75 के लेवल्स हैं यहां पर। आप सब लोगों को यहां पर मैं दिखा रहा हूं कि 17,275 के लेवल्स हम यहां पर मार्क कर रहे हैं चार्ट के ऊपर। मैं यहां पर थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं चार्ट को, ताकि आप सब लोगों को सही से नजर आ जाए। जब ये सी वेव ऊपर की तरफ चले जाएगी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद हमको देखने को मिलेगा एक क्रैश जो कि एक्सपेक्टेड है। तो यहां पर अगर हम बात करें फिलहाल के लिए, कितनी जो सी वेव होती है, राइट, ए बी सी वेव होती है, ए बी सी वेव के अंदर आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ए वेव तो कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर की जो सब वेव्स होती है, मतलब कि इंटरनल वेव्स जो होती हैं वो होती है 1 2 3 4 5, ये कंप्लीट हो चुकी है। अगर मैं बी वेव की बात करूं तो बी वेव के अंदर इंटरनल वेव या फिर सब वेव्स हम कह सकते हैं वो होती है ए बी सी, राइट। आप सब लोगों को दिखा देते हैं यहां पर किस तरीके से हम बात कर रहे हैं, ये होती है इंटरनल वेव्स ए बी सी, राइट। इसको मैं यहां पर जो है कलर चेंज कर देता हूँ, येलो कर देते हैं, या फिर इसको जो है वो कोई और कलर कर देते हैं, ऑरेंज कर देते हैं, राइट। ए बी सी जो कि बी वेव के इंटरनल वेव्स होती हैं, और उसी तरीके से सी वेव के अंदर भी कुछ वेव्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं 1 2 3 4 5, राइट। तो यहां पर फर्स्ट वेव ऊपर, सेकेंड वेव डाउन, थर्ड वेव ऊपर,
फोर्थ वेव डाउन एंड देन फिफ्थ वेव अप, राइट, कुछ इस तरीके से। हो सकता है कि फिफ्थ वेव सिर्फ यहीं तक ही जाए, जो कि हो सकता है कि 17,270-75 के आसपास के लेवल्स हों, या फिर 17,250 के आसपास के लेवल्स हों, 17,250 से लेकर ऊपर के जो लेवल्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, हो सकता है कि वो 17,650-655 तक के लेवल्स भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, राइट। डिपेंड करता है कि मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम बनता है, किस तरीके के यहाँ पर मार्केट जो है वो अग्रेशन दिखाता है। और यूजुअली जो ये फेक आउट वेव्स होती है वो काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है समटाइम्स, तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चलते हैं यहाँ पर कि मार्केट के अंदर जब भी पंप हमको देखने को मिलेगा तो हो सकता है कि 17,655 तक का भी पंप हमको देखने को मिल जाए, या फिर आसपास के लेवल्स को देख सकते हैं हम कि वो पंप जो है वो देखने को मिल जाए। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जोन की, तो ये बनेगा हॉरिजॉन्टल जोन जो कि हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 17,840 से लेकर नीचे 17,655 तक का ये जो जोन है ये बनता है। इस जोन को यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए मेरे हिसाब से मार्केट को कि इसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए। हम जब भी यहाँ पर मार्केट 17,255 के ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है वो एक शॉर्ट करने का यहाँ पर हम सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमको जब भी हम ट्रेड करते हैं तो एक स्टॉप लॉस जरूर लेना होता है। मार्केट में किसी भी तरीके का रिएक्शन आ सकता है, किसी भी तरीके की चीज़ें पॉसिबिलिटीज आ सकती है। जैसे आज न्यूज़ आई है, न्यूज़ मार्केट के अंदर होती ही हैं, आती रहती हैं मार्केट में। अगर मार्केट में कुछ और अच्छी न्यूज़ अगर निकल कर अगर आ गई तो उस कंडीशन में कहीं ये ना हो कि ये मार्केट इस रेजिस्टेंस के भी ऊपर की तरफ चले जाओ, जो पूरी की पूरी एनालिसिस है हमारी यहाँ पर वो यहाँ पर फेल हो जाए कहीं ना कहीं, राइट। तो उस कंडीशन में फिर भी हम यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं हमारी एनालिसिस जो वो गलत ना हो जाए, उस कंडीशन में हम यहाँ पर जो है ये 18,400 का जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस जरूर रखेंगे। और हमारी लिक्विडेशन भी इसके ऊपर ही होनी चाहिए, इसके नीचे नहीं होनी चाहिए ऑफकोर्स, तो उसके हिसाब से अपनी पोजिशन साइजिंग भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अपने खुद के रिस्क पर ही यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर खुद के रिस्क के हिसाब से यहाँ पर आप चाहें तो शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट लेवल पर मैं शॉर्टिंग की सजेशन नहीं देता हूँ। यहाँ पर जो लेवल्स एक्सपेक्टेड है वो यहाँ पे 17,275 से लेकर ऊपर 17,655 के आसपास के लेवल, मतलब कि यहाँ से भी करीब करीब $1,000 का यहाँ पर जो है जंप हमको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन कम से कम $500-600 का जंप जो है वो देखने को तो मिल ही सकता है, क्योंकि जो सी वेव होती है वो यूजुअली जो ये जो सी वेव होती है वो यूजुअली यहाँ पर अगर हम कहें तो ये जो ए वेव होती है ए वेव के ऊपर होती है। देखिए मैं यूजुअली कह रहा हूँ, मैं ऑलवेज नहीं कह रहा हूँ, राइट, क्योंकि मार्केट में हर एक तरीके की पॉसिबिलिटीज होती हैं। कभी कभी ये जो है ये फिफ्थ वेव ट्रंकेट भी हो जाती है, समटाइम्स होता ही है कि फिफ्थ वेव जो है वो यहीं ट्रंकेट हो गई और उसके बाद हमको यहीं पर ही अपना सेटिस्फैक्शन रखना पड़ता है और उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे आ जाती है। लेकिन फिर भी मैं आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा भी हम फिलहाल के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एक यहाँ पर जो वो जंप ले सकता है, और ये जो है यहाँ पर जंप थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि देखिए अब मैं आप सब लोगों को एक चीज और बताने वाला हूँ यहाँ पर, ये जो जंप आ सकता है वो कब आ सकता है, कैसे आ सकता है। अब अगर हम DXY पे चले, डॉलर करेंसी इंडेक्स पे, यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम 1, 2, 3, 4, 5 का पैटर्न जो है यहाँ पर फॉलो हुआ है। आप सब लोग बता दें कि यहाँ पर देखिए मार्केट किस तरीके से DXY ऊपर की तरफ गया है, और ये जो नंबर्स हैं ये DXY को देखकर मुझे आज दोपहर में ही एक्सपेक्टेड थे कि मार्केट में कुछ ऐसा होगा कि एक पॉजिटिव नंबर्स निकल कर आएंगे। लेकिन फिर भी आप सब लोगों को बता दें कि यहाँ पर ये जो निकल कर आया है डेटा वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमको दिखाई देता है कि देखिए यहाँ पर जो हमको नंबर्स दिखाई दिए हैं अभी US के नॉन फार्म पेरोल डेटा जो निकल कर आया है उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये वन फर्स्ट वेव ऊपर, सेकेंड वेव डाउन, थर्ड वेव ऊपर, फोर्थ वेव डाउन एंड देन फिफ्थ वेव ऊपर, राइट, कुछ इस तरीके से निकल कर आया है। और उसके बाद यहाँ पर हमको एक करेक्शन भी नजर आई है, राइट, या फिर अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम पर भी चलेंगे तो स्मॉल टाइम फ्रेम पर भी हमको कुछ ऐसी चीजें जो है वो नजर आ जाएंगी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये बेटर रहेगा, ये 1, 2, 3, 4, 5, राइट, कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये जो है ये वेव्स बनते हुए नजर आई है और उसके बाद ये करेक्शन नजर आया। आप देख सकते हैं कि एलॉयड वेव हर जगह काम करता है यूजुअली, तो ऐसे सिचुएशन में हमें इन सब चीजों का भी हेल्प जरूर ले लेनी चाहिए मार्केट में, और इन सब चीजों को मैं बहुत अच्छे तरीके से यूज करने के लिए प्रैक्टिस करता रहता हूँ। आप सब लोगों को भी बोलूंगा कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर DXY के अंदर करेक्शन आया है उसी तरीके से यहाँ पर मार्केट में उछाल भी आ सकता है। अब सबसे बड़ी बात, अभी देखिए अभी जब मैं वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पर वक्त हुआ है 7:35 शाम के,
और 8 बजे के आसपास जो है यहाँ पर यूएस का जो मार्केट है वो ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर SPX में बोलूंगा तो। और यहाँ पर ये भी जो है एक उछाल यहाँ पर लेता हुआ हमको दिखाई दे सकता है। इसके अंदर भी अगर हम देखें तो हमको एक चैनल बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर, और ये जो एक चैनल है ये बेसिकली ये चैनल हमको इस तरीके से नजर आ रहा है कि यहाँ पर इस तरीके से हो सकता है कि यहाँ से एक जंप ले ले यहाँ पर। ये भी एक चैनल के अंदर हमको जंप देखने को मिल जाए यूएस मार्केट के अंदर। अगर यूएस मार्केट में हमको एक जंप देखने को मिलता है तो हो सकता है कि उसी के साथ साथ BTC और बाकी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर भी हमको जंप देखने को मिल जाए। तो ये सारी चीजें हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें इथेरियम की, तो देखिए इथेरियम पर मैंने यहाँ पर कुछ जो लेवल्स हैं वो मार्क कर रखे हैं ऑलरेडी, और यहाँ पर मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ। 4 घंटे के चार्ट पर आते हैं, थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से पता चलेगा हमको क्या कुछ डिटेल है। इसमें भी हमने देखा था कुछ समय पहले कि यहाँ पर हमको 1, 2, 3, 4, 5 के अंदर जो है वो गिरावट देखने को मिली थी कुछ इस तरीके से। यहाँ पे 1350 1352 के लेवल्स के आसपास 1, 2, 3, 4 एंड देन 5 वेव में हमको यहाँ पर गिरावट नजर आई थी। उसके बाद ABC में हमको यहाँ पर ऊपर की तरफ जाना है। यहाँ पर हम मार्केट को देखेंगे कि ABC में ऊपर की तरफ जाना है। A वेव ऊपर, B वेव डाउन एंड देन C वेव ऊपर। C वेव ऑलरेडी A वेव के ऊपर जा चुकी है, और अभी यहाँ पर अभी मैं बोलूँ तो C वेव के अंदर जो यहाँ पर जो वेव्स होती हैं उसके हिसाब से अभी एक वेव अभी और पेंडिंग है। कैसे मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि C वेव के अंदर जो सब वेव्स होती हैं वो होती हैं 5 सब वेव्स। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 राइट कुछ इस तरीके से यहाँ पर हो सकता है, हो सकता है कि ये इस जोन में भी चला जाए। ये जोन कौन से लेवल का है, ये 1290 से लेकर ऊपर का जो जोन है, यहाँ पे 1310 1320 तक के लेवल्स भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बनती हैं। यहाँ पर 1315 1320 के आसपास के लेवल्स की भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान से रख के चलिएगा, देख के चलिएगा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। लेकिन मैं एक बारी के लिए यहाँ पर जो है वो 1370 के ऊपर के लेवल्स जो है वो यहाँ पर जरूर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर मैं इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो। और ऐसे सिचुएशन में मार्केट जो है यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। एक्चुअली में अगर मैं बात करूँ तो वेव्स कुछ ऐसे होनी चाहिए, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि होना चाहिए ये राइट 1, 2, 3, 4, 5 राइट ये दिस इज द करेक्ट वेव्स राइट 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर 5th वेव जो है ये यहाँ पर जा सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमको यहाँ पर जो लेवल्स एक्सपेक्टेड है वो 1280 से लेकर, इनफैक्ट मैं कहूंगा 1280 से लेकर ऊपर के लेवल्स अगर मैं बात करूँ तो 1320 के लेवल एक्सपेक्टेड है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1355 का यहाँ पर हमारे लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1355 में यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ अगर हम यहाँ से शॉर्टिंग अगर हम इस रेंज से करने की अगर हम सोचते हैं तो, और उसके बाद यहाँ पर 1355 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट कुछ ज्यादा एग्रेसिव हुआ, यहाँ पर मार्केट में कुछ ज्यादा पंपिंग अगर हो गई, तो उस सिचुएशन में मार्केट ने अगर गलती से अगर ये 1355 के लेवल्स को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि फिर हम 1500 के लेवल्स यहां पर आप देख सकते हैं 1500 से लेकर 1515 के आसपास के लेवल्स ये जो लेवल्स हैं ये भी आते हुए देख सकते हैं। अगर यहाँ पर 1355 के ऊपर अगर यहाँ पर इथेरियम निकल गया तो स्टॉप लॉस लेना बहुत जरूरी है अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो, और पोजिशन को एक हिसाब से ही लेना ज्यादा सही रहता है। ओवर पोजिशन साइज जो कि हम लॉस बेयर ना कर पाए वैसी पोजिशन साइजिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ओवर पोजिशन साइज हुआ और उस कंडीशन में 1355 पे भी अगर हमने यहाँ पर बहुत बड़ा पोर्टफोलियो जो वो लॉस कर दिया तो ये कोई एक वाइज जो है डिसीजन नहीं होगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर हमको एक सही तरीके से एक सही नपा तोला पोजिशन साइज हमको रखना चाहिए, और उसके हिसाब से ही कोई अगर हम ट्रेड करें तो करना चाहिए। एंड देन यहाँ पर 1355 का स्टॉप लॉस जरूर रख लेना चाहिए, अदरवाइज मार्केट यहाँ पे 1500 के लेवल्स तक भी जा सकता है। तो दोस्तों ये कुछ सारी अपडेट है यहाँ पर मार्केट की। यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा जो है वो यहाँ पर आ चुका है, आप सब लोगों को सारी डिटेल्स बता ही दी है इस वीडियो के अंदर। और यहाँ पर ये जो डेटा है ये शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश न्यूज है, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर यहाँ पर जो बुलिश मोमेंटम दिखा के हमको वापस चार्ट के ऊपर जो एक गिरावट यहाँ पर नजर आती है उन सब चीजों का भी ध्यान हमको जरूर यहाँ पर देना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।